को हल करने की तरफ कोई मजबूत उठाया जाए पोजीशन। एक जो बात कही चांडियो साहब ने जी सिंध के पानी की जी, अगर आप सिंध के 4-5 साल का फिगर्स उठाकर देखें, वीट की पैदावार, कॉटन की पैदावार, शुगर केन की पैदावार, बाकी चीज़ों की, तो आप देखेंगे कोई ऐसी तंगी नहीं थी कि जिसकी वजह से इस प्रोडक्शन में कमी आई हो। तमाम हमारे जो है चावल बेनतहा एक्सपोर्ट हो रहा है $2 बिलियन का, चीनी एक्सपोर्ट की है, गंदुम हमारे गोदामों में सड़ रही है, बल्कि उसको एक्सपोर्ट भी किया गया, अभी भी बहुत मौजूद है। तो मतलब ये पानी जो है उसका बेहतर इस्तेमाल जो है वो उससे आप देखिए कितना पानी चला रहा है। आप कहते हैं जी सुतलज में जनरल साहब छोड़ दिया रावी में, जनरल साहब पानी जाके समंदर के रेला बन के समंदर में जाके गिरेगा सारा पानी, गायब होगा ये वाला। जनरल साहब आपसे गुजारिश है, आप एक मुबे वतन में रहता हूँ सर, जल साहब आप सब बातों को मैं फैक्ट फिगर इकट्ठे करता रहता हूँ सर, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, आप एक मुबे वतन शख्सियत हैं, अभी इधर से आवाज है सुनी नहीं रहे मेरी बात। नहीं आप जल साहब आपके लिए बड़ी आपके लिए बड़ा सो रहा हूँ, आपके लिए बड़ा एहतराम और प्यार है, मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह, आप एक मुबे वतन शख्सियत है, आप में की नीयत में शक नहीं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कभी आपने सुना है जो लाड़ आपके अपना इलाका है टंडो मोहम्मद का छट्टे में, इसमें पानी न होने की वजह से लगी हुई फसलें हमने गन्ने की निकाली, आपको कुछ इल्म है? अभी जो चावलों की फसल हुई है कितनी लेट हुई है आपको कुछ पता है? गुज़िश्ता 3 महीने पूरे सिंध में पानी नहीं था, आपको कुछ पता है? ठट्टे में पानी की कमी कितनी है गुज़िश्ता 3-4 महीने से, आपको पता है? सारे चीखने चिल्लाने के बावजूद चश्मा लिंक कैनाल बहाया जा रहा है, आपको कुछ इल्म है? सिंध सारी सरापा एहतजाज है, बिल्कुल इल्म है जल साहब, बिल्कुल इल्म है जल साहब, आप तो ऐसा लग रहा है पानी बहाया जा रहा है, समंदर में पानी नहीं जा रहा है, ये तकाजा है, 4 साल में खुशहाली आती है, तकाजा है कुदरती तौर पर, खुशहाली होती है, बाल फूल भी होती है, रेवियार खान का भी होती है। ठीक है सर, मैं जरा ये हुकूमती जमात से भी इन तमाम चीजों का जो सिंध का इन्होंने जिक्र किया, पानी का जिक्र किया, क्योंकि अब जिस तरीके से सीएम साहब की मुलाकात जो हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, वहां पे भी उन्होंने 18वीं तरमीम के बाद कहा कि जी जिस तरीके से इख्तियारात अपने डिवॉल्व किए हैं मजीद करना है। सो क्या कर रहे हैं, ये जो सिंध की शिकायत आती रहती है कि जी हमें हमारा हिस्सा उस तरीके से नहीं मिलता, बिजली को लेकर भी और पानी का जो इशू बहुत ज्यादा है।